नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो साई वर्षित चिलुकुरी और हिमल गुसाई के बीच हुआ था। सो क्विकली हम लोग गेम विंडो की तरफ जाते हैं। जो गेम स्टार्ट हुआ उसमें d4, नाइट f6, c4, c5, d5, b5। देखा जाए तो बिंको गैम्बिट वैसे बहुत सारे प्लेयर्स के लिए एक अच्छा चॉइस रहा है। अगर हम हाई लेवल की बात करें तो मुझे याद है दानिल दुबो के कुछ गेम्स देखे थे मैंने, और एक और प्लेयर है इतु रिजिका, थोड़ा कठिन सा नाम है उनका। सो डी कट सी कट बी फाइव ए सिक्स बी कट ए सिक्स बी ए सिक्स एंड देन नाइट सी थ्री। नाइट सी थ्री के बाद जी सिक्स खेला यहाँ पे ब्लैक ने, ई फोर, बिशप इन टू एफ वन। डेफिनेटली ई फोर की जगह और भी ऑप्शंस थे वाइट के पास। यहाँ पे एक पॉपुलर सिस्टम जो है वो जी थ्री के साथ स्टार्ट होता है। जी थ्री डी सिक्स बिशप टू जी टू बी जी सेवन नाइट एफ थ्री नाइट बी डी सेवन रुक बी वन क्वीन ए फाइव। आप पहले भी आप कैसल कर सकते हैं पर मुझे लगता है क्वीन ए फाइव राइट कंटिन्यूएशन है। कैसल कैसल क्वीन सी टू एंड देन नाइट बी सिक्स, ये भी एक सिस्टम पॉपुलर है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन ई फोर खेला यहाँ पे वाइट ने बिशप इन टू एफ वन। यही आइडिया होता है बहुत बार कि आप अगर ई फोर के साथ जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको बिशप इन टू एफ वन के बाद वाइट को किंग एफ वन मारना पड़ेगा, और जी थ्री या एच थ्री खेल के जी थ्री के बाद किंग जी टू आ सकते हैं। सो उस दौरान ब्लैक का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है और डेफिनेटली कुछ कंडीशंस में वो क्वीन साइड एक्टिविटी ढूंढने के लिए कोशिश करता है। किंग एफ वन मारा यहाँ पे डी सिक्स जी थ्री बी जी सेवन किंग जी टू नाइट बी डी सेवन नाइट एफ थ्री कैसल। ये बहुत पॉपुलर ओपनिंग मूव है तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें। सो यहाँ पे ए फोर खेला पहली मूव 12th मूव पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे एच थ्री भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप सिंपली नाइट जी फोर नाइट ई फाइव जो नाइट है उसको रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में नाइट ई फाइव के बाद नाइट डी थ्री के लिए भी जा सकता है। जहाँ पे आपके पास ब्लैक के पास दोनों ऑप्शन है क्वीन ए फाइव जो कि सिस्टम हेमल ने खेला था इस गेम में। लेकिन यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है रुक ए सिक्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेन आइडिया है क्वीन ए एट। क्वीन एट के बाद क्वीन इसलिए एट पे रखना चाहिए कि बहुत सारे कंडीशंस में जब भी ये पॉन्स एक्सचेंज होंगे तो जी टू पे प्रेशर होगा और आप रुक एफ बी एट भी इजीली ले सकते हैं। लेकिन गेम में ए फोर खेला क्वीन ए फाइव नाइट डी टू। नाइट डी टू की जगह मुझे लगता है बी डी टू ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि क्वीन ए सिक्स क्वीन सी टू रुक टू एफ सी एट नाइट बी फाइव और सी फोर, ये एक्चुअली जा सकते थे इस पोजीशन में भी। लेकिन ये भी स्टार्टिंग पोजीशन है तो आप बोल नहीं सकते हैं कि ये इसमें जो जो कंटिन्यूएशन हो सकता था वो कैसा रहेगा, लेकिन डेफिनेटली ये प्लेबल पोजीशन है दोनों के लिए। तो नाइट डी टू खेला, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने गेम देखा था नाइट डी टू तो मुझे लगा शायद वाइट जो है वो बैंकों के लिए प्रिपेयर नहीं था। और इसके बाद नाइट बी सिक्स खेला रुक ए थ्री सी फोर। सी फोर का मेनली आइडिया ये होता है कि आप एक तो उसका बी थ्री रोक रहे हैं, और बहुत कंडीशंस में रुक बी थ्री रुक बी फाइव ये मैनवरिंग भी ये जो रुक का जो मूव है रुक बी थ्री वो भी रोक सकते हैं। उसके बाद आप अपने नाइट के लिए डी थ्री स्क्वायर बना लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर होता है बैंकों में नॉर्मली। नाइट एफ थ्री खेला नाइट जी फोर, इसलिए मैंने आपको बताया था कि पहले ही आप एच थ्री खेल सकते हो जहाँ पे ए फोर खेला था जस्ट टू स्टॉप नाइट जी फोर। तो एच थ्री खेला यहाँ पे वाइट ने नाइट ई फाइव नाइट डी फोर और आफ्टर क्वीन ए सिक्स। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ कंडीशंस में एक्चुअली जो थ्रेट है वो ये कि एफ फोर आके जब आप नाइट डी थ्री खेलोगे तो नाइट सी सिक्स आ सकता है, और तब क्वीन पे ए फाइव पे और ई सेवन पे थ्रेट है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्रोफिलेक्टिक मूव है कि आपको पता है कि थ्रेट आने हैं। और दूसरी बात मैं चाहूंगा कि ये भी एक बात समझ लें कि ब्लैक शायद ये प्रोवोक कर रहा है कि एफ फोर आ जाए, क्योंकि जैसे ही पॉन्स आगे बढ़ेंगे तो वीकनेस क्रिएट होंगी। बहुत बार वाइट से जो खेल रहे थे उनको ये बात जो है वो समझ नहीं आती है कि अगर आप पॉन्स आगे बढ़ाएंगे तो वीकनेस के लिए क्रिएट करने के लिए ब्लैक खेल रहा है। सो यहाँ पर देखा जाए तो ए फाइव खेला वाइट ने नाइट बी डी सेवन एफ फोर नाइट डी थ्री, और डेफिनेटली मुझे लगता है एफ फोर एक डुबियस मूव होनी चाहिए, क्योंकि भले ही आप इस मूव से थ्रेट दे रहे हैं और आप इस नाइट को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन इस नाइट को ई फाइव से अच्छा प्लेस डी थ्री पे है। और जिसको हम लोग अगर हम मैं बात करूँ कि इसमें एक बहुत अच्छी बुक आई थी पैटर्न रिकॉग्निशन नाम से, पैटर्न रिकॉग्निशन में
मुझे याद है कि ऐसे जो नाइट्स होते हैं D3 या E3 पे जो बैठ जाते हैं, या फिर ब्लैक की साइड से D6 E6 पे बैठते हैं, उनको ऑक्टोपस नाइट के नाम से उसमें बताया हुआ है। और उस बुक का मुझे याद है जब हम MCL खेल रहे थे तो शशि किरण ने भी बोला था कि वो एक बहुत अच्छा बुक है। तो डेफिनेटली ऐसे जो नाइट्स होते हैं जो D3 पे पोस्ट हुआ है अभी, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और आफ्टर नाइट D3 यहाँ पर नाइट C6 खेला, रुक F8, रुक F1, E6। अब मुझे लगता है ये पोजीशन जो है वो धीरे धीरे व्हाइट से थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, क्योंकि पीसेस का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं है व्हाइट के लिए। ब्लैक के पीसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसमें पड़े हुए हैं पोजीशन पे। रुक A2 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, नाइट C5। यहाँ पर नाइट C5 की जगह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्राई था F5, जिसमें आप देख सकते हैं अगर E कट F5 मारते हैं तो ED5 के बाद ये नाइट एक्चुअली ट्रैप हो गया है C6 का जो नाइट है। सो एक ये भी एक अच्छा कंटिन्यूशन था। ऑफकोर्स F5 के बाद EF5 नहीं मारते, और वाइट के पास शायद क्वीन F3 है और कोई अच्छा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन नाइट C5 खेला यहाँ पे, क्वीन D2, E कट D5, E कट D5, नाइट B3। अब डेफिनेटली एक बात क्लियर है कि आपको एक्सचेंज मिल रहा है नाइट इनटू C1 अगर आप मारते हैं तो, और ये पोजीशन अभी ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है ब्लैक के लिए। किंग G2, सॉरी क्वीन टू C2 खेला यहाँ पे, उसके बाद बिशप इनटू C3 मार दिया। यहाँ पर सिंपल नाइट B C1 भी शायद बेटर लग रहा था, रुक C1, रुक नाइट C1, क्वीन C1 और बाद में इसको मारते, ये भी ठीक लग रहा था, लेकिन बेटर यही था कि बिशप C3 पहले मारे। तो बिशप का C3 मारा यहाँ पे। यहाँ पर वैसे Any1 सिंपल भी आ रहा है, बिकॉज आपको सिंपली एक्सचेंज मिल रहा है उसमें रुक E1 में, लेकिन यहाँ पर बी कट C3 के बाद 26 नंबर मूव पे मैंने क्वीन B5 खेला और एक थ्रेट जनरेट किया, क्योंकि आपको एक्सचेंज तो मिल ही रहा है लेकिन आप D5 पे भी थ्रेट दे रहे हैं। और डेफिनेटली अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे थ्रेट्स हैं, नाइट इंटू A5 भी मर रहा है, नाइट C1 आ रहा है जिसमें एक्सचेंज मिल रहा है, नाइट E1 आ रहा है उसमें भी एक्सचेंज मिल रहा है, क्वीन D5 आ रहा है। तो ये गेम बहुत ज़्यादा प्लस लग रहा है अभी ब्लैक के लिए। और यहाँ पर नाइट B4 खेला ब्लैक वाइट ने, तो नाइट नाइट B4 को भी आप नाइट C1 मार सकते हैं, लेकिन नाइट E1 खेला यहाँ पे ब्लैक ने और सिंपली एक्सचेंज हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा हुआ है वाइट के लिए खेलने को। और यहीं पे 27 नंबर मूव पे रिजाइन कर दिया वाइट ने। अभी मुझे लगता है कि हिमल ने जो ओपनिंग चॉइस किया वो एक लोअर रेटेड के लिए डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन था उनके लिए, और कभी कभी सरप्राइज करने के लिए भी बैंको बहुत अच्छा होता है। हाल ही में मैंने एक बार अभी B5 खेला था, chess.com पे हुआ था साइमन विलियम्स के साथ, जिंजर GM के नाम से जो फेमस है, तो वो भी एक गेम मैं कभी शेयर करूंगा। लेकिन डेफिनेटली बैंको में बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स हुए हैं, और कोशिश करेंगे हम कि और ज़्यादा गेम्स देखें। अगर मैं ईमेल की बात करूँ तो बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छा लड़का है, और सबसे अच्छी बात वो हमेशा एकदम कूल रहता है। मुझे याद है एक बार जब हम नेशनल टीम में, हम एक टीम में नहीं खेल रहे थे पर हम एक दो दिन रुके थे, पाटिल जी भी हमारे साथ थे रूम में, सो तब उन्होंने बोला था कि कैसे एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा मूवीज देखता था, कि लैपटॉप में बहुत टाइम वेस्ट करता था, बट फिर मुझे लगा कि ये सब बहुत गलत हो रहा है और डेफिनेटली इसको मुझे रोक के चेस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक्चुअली टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन अगर आप सीरियस चेस प्लेयर हो तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि उसने किया, और अभी इंटरनेशनल मास्टर भी बन गया है। बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्म्स कंप्लीट करके और रेटिंग 2.5 कंप्लीट करके GM भी बन जाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं ईमेल को, और इस टूर्नामेंट में भी अच्छा कर रहे हैं, सो डेफिनेटली हम वी होप कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा उनका। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।